So I know a lot of people who are very confident about their drone flying skills, and they do all of their flying sessions at once, go back home, then back up everything. But what if you're done with the drone session, got a lot of nice footages, then you're on to your next drone session and suddenly you lose your drone or don't get crashed or something happens and you are unable to get your files back. So that moment you'll be like, gaya saala wo pehle wala session ka file bhi gaya. I know it happens with a lot of people. It has even happened with me once in my lifetime. And since then, I had to change my whole workflow. So this video is going to be helpful for all the drone pilots. I know everyone has their own workflow. This is just mine. And I'm pretty sure this is the best drone backup workflow on site. Pay good attention when I say on site. आप ड्रोन उड़ा रहे हो, कोई प्रोजेक्ट में है, कोई लोकेशन पे हो, वहीं पे कैसे बैकअप लेना है, वहीं पे आपको फाइल्स को कैसे सेफ रखना है, बिफोर यू गेट ऑन टू योर नेक्स्ट ड्रोन सेशन, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प. दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट ऑन साइट रिमोट बैकअप ऑफ योर ड्रोन फुटेजेस बिफोर गोइंग टू योर नेक्स्ट ड्रोन सेशन विदाउट इवन फॉर्मेटिंग द कार्ड. लेट्स गो विद द वीडियो. सो द शॉर्टेस्ट आंसर इज आफ्टर एवरी ड्रोन सेशन टेक योर बैकअप. एक ड्रोन सेशन खत्म हुआ, फाइल्स का बैकअप ले लो, उसके बाद गेट ऑन टू योर नेक्स्ट सेशन. इसका दो ऑप्शन है. फर्स्ट, फ्री वाला ऑप्शन. अगर पैसा खर्चा नहीं करना है, ये फ्री वाला ऑप्शन एक है जो आप कर सकते हो. पहले ड्रोन उड़ाओ, जो फुटेज लेना है ले लो, कार्ड को निकालो, लैपटॉप लेके घूमते रहो, लैपटॉप पे कार्ड घुसाओ, बैकअप ले लो, फिर कार्ड को फॉर्मेट करो, फिर ड्रोन पे घुसाओ एंड गेट ऑन टू योर नेक्स्ट सेशन फॉर द ड्रोन. Second, premium option, the option which I use, the workflow which I have since years. Here is the option. You need to get this WD My Passport Wireless. Western Digital इसको तीन models में sell करता है, शायद 500 GB, 1 TB, 2 TB भी अभी आ चुका है. मैंने ये लिया था शायद 3 साल पहले. ये 1 TB तब था, शायद 17-18 हज़ार का तब आया था. अभी तो 1 TB शायद 8-9 हज़ार का आ जाता है. 2 TB आपको 15 हज़ार में मिल जाएगा. आई हैव लेफ्ट ऑल द लिंक्स बिलो इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. 500 GB, 1 TB, 2 TB जो आपको ले सकते हो, जितना पैसा आपको खर्चा करना है ले लो. बट यू नीड दिस इफ यू आर एनी काइंड ऑफ ड्रोन पायलट. आई मीन इफ यू आर हॉबीस्ट डूइंग थिंग्स फॉर फन देन इट्स ओके, यू डोंट नीड टू स्पेंड ऑन दिस. बट इफ यू नीड इट फॉर वर्क और एनीथिंग कमर्शियल और विदाउट एनी कमर्शियल रीजन्स एज वेल, ये बनता ही है बॉस. पैसा इस पर लगाओ, इट्स गोइंग टू सेव यू ए टन ऑफ वर्क एंड टाइम. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट माय वर्क फ्लो, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, पहले कोई भी ड्रोन सेशन से पहले कार्ड को पूरा फॉर्मेट, ब्रांड न्यू कार्ड जैसा जीरो में रहता है, उसके बाद उड़ाओ, जितना फुटेज लेना है ले लेता हूँ, उसके बाद कार्ड को निकाल के सबसे मैं इसका वर्कफ्लो आपको इसका वीडियो भी सर्च करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. इट्स प्रीटी ईजी बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसका वर्क, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है. इसको पहले तो खरीदना है, उसके बाद इसको चार्ज में लगाना है. इट हैज इन बिल्ड लिथियम आयन बैटरी, सो इट स्टेज द चार्ज फॉर 2-3 आवर्स ईजिली. पहले इसको ऑन करना है, इसको ऑन करो, ये लाइट जलेगा, इसके वायरलेस लाइट जलेगा, इसमें वो कार्ड को घुसाओ, आपका माइक्रो एसडी कार्ड. जैसे ही ये वाइट स्टेबल रहता है, इसको घुसाने का है. ये जो नीचे वाला लाइट है, वायरलेस वाला लाइट, ये वाइट ब्लिंक करेगा. ये पहले ग्रीन रहेगा, ये कार्ड घुसाने के बाद वो वाइट में ब्लिंक करेगा. दैट मीन्स इट स्टार्टेड कॉपिंग योर फाइल्स टू द माई पासपोर्ट वायरलेस. सो जब ये वाइट वाला ब्लिंकिंग लाइट बंद हो जाएगा, उसका मतलब कॉपी इज डन. यू कैन टेक आउट योर फॉर्मेटेड, आई मीन टेक आउट द कार्ड, get it back to your drone and get onto your next one. You do not need to format the card. ये card को format करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये ऐसा एक जबरदस्त tool है. जबरदस्त, when I say it, really, I really mean it. ये card का जितना भी data रहता है, एक बार घुसाओ, जो भी copy कर लिया हो गया. उसके बाद next जब मैं और एक drone system ख़त्म करके फिर से इसको घुसाता हूँ, ये जहाँ से उसको छोड़ा था last file, उसको copy नहीं करेगा. उसके बाद जितने new files है वहीं से वो resume करेगा. It's that intelligent. It's not going to copy your files which are already copied. ये only new files को copy करते रहेगा, copy करते रहेगा. So what I normally do is I fly for like 3 or 4 batteries normally within 1 hour. हर battery के बाद, हर session के बाद card को निकालता हूँ, इसमें घुसाता हूँ, इसमें copy करता हूँ, फिर इसको निकालता हूँ, फिर इसमें घुसाता हूँ. I don't even format the card. ये हर बार जब भी मैं ये micro SD को इसके अंदर घुसाता हूँ, वो हर बार all the new files it normally copies. सब न्यू फाइल्स एग्जैक्टली एक फोल्डर होकर रुकता है. यू डोंट हैव टू कीप ऑन सर्चिंग ऑल थ्रू द फोल्डर्स. एक नॉर्मल फोल्डर बनेगा डेट का, उसके अंदर एक डिवाइस का फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर ऑल द फाइल्स पूरा लाइन बाय लाइन रहेगा.
So even if in the end of the day you lose this card, you lose your drone, you lose those footages from the card, all the files are still there in the My Passport Wireless. So this is what the whole workflow is about, backing up your drone footages on site. Because I know, मैंने ये बहुत बार ऐसा किया कि जब मैंने ये खरीदा नहीं था, मैं सोचता कि मुझे तो बहुत अच्छा से उड़ाना आता है, मैं उड़ा सकता हूँ, गेट डन विद द फ्लाइंग, उसके बाद घर आके फिर से कॉपी फाइल्स करो वो स... बट एक बार ऑलरेडी हो चुका है वो इंसिडेंट थाईलैंड में, आई गेस माई ड्रोन क्रैश, आई लॉस्ट लाइक 36 GB ऑफ फाइल्स, या 36 GB ऑफ फाइल्स, दैट वॉज ए लॉट आई नो. उसके बाद इंडिया लौटते ही झट से ये वाला ऑर्डर किया गया, एंड उसके बाद से आई हैवन्ट मिस्ड ए सिंगल ड्रोन सेशन विदाउट दिस थिंग. दिस इज एब्सोल्युटली एन अमेजिंग टूल, एंड यू एब्सोल्युटली नीड इट इफ यू आर फ्लाइंग एनी काइंड ऑफ ड्रोन एंड योर फाइल्स आर इंपॉर्टेंट टू यू. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस थिंग. और हाँ, और एक बात मैं कहना भूल गया, दिस कैन ऑल्सो एक्ट लाइक ए एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव. सो इट कम्स विद द केबल, केबल का आप लेके डायरेक्ट लैपटॉप पे लगा सकते हो. यू कैन सी द होल 1 TB स्पेस ऑन योर कंप्यूटर. Get the files, it can be treated as external drive, it can be treated as external remote backup restore drive, it can be treated as a Wi-Fi backup restore drive, it can be done anything, and it has got a lot of features. I don't want to spend more time explaining all the features. If you want to see all the features, YouTube mein bahut sare videos hain, jaake dekh lo, har ek feature iska mil jayega. But isko kaise kaam karta hai, I've already explained. Agar phir bhi koi question hai, let me know in the comment section below. All the links below in the video description. If you have got any questions, just let me know in the comment section below. Smash the subscribe button if you haven't done it yet. And don't forget to click on the bell icon to stay updated. I will see you in the next video.